अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनों हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रमज़ान स्पेशल। आज हमने एक चाइनीज़ डिश बनाई है जिसका नाम है चिकन चाउमीन। ये एक काफ़ी फ्लेवरफुल डिश है और इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए देखते हैं चिकन चाउमीन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाएगी। किसी भी ब्रांड की 200 ग्राम्स की क्रिस्प स्पेगेटी ले लें, 3 से 4 अदद बेल पेपर्स ले लें और उन्हें बारीक बारीक काट लें, एक मीडियम साइज की गाजर और उसे भी बारीक काट लें, 200 ग्राम्स की करीब बंद गोभी बारीक काट लेंगे, 2 से 3 अदद हरी प्याज और एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लेंगे। हमने ली है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, जिंजर और गार्लिक को बारीक चॉप कर लेंगे, हाफ बाउल के करीब चिकन ब्रॉथ। चलिए अब स्पगेटी बॉयल कर लेते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दे, इससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। एक दफ़ा अच्छे से चम्मच चला लें। चलिए जब तक हमारे नूडल्स तैयार हो रहे हैं तब तक चिकन ब्रेस्ट के पीसेस कर लेते हैं। इक्वल साइज के लंबे लंबे पीस काट लेंगे, इससे ये होगा कि हमारी चाउमीन की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। चिकन के पीसेस हमने बना लिए हैं, अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1/2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब चिकन ब्रॉथ में तमाम सॉसेज ऐड करके सॉसेज का मिक्सचर बना लेंगे। रेड चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस एंड सोया सॉस। इसी में शुगर और व्हाइट पेपर ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चाउमीन के लिए नूडल्स हमारे एकदम अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब एक पैन लें और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें और अपने मैरिनेट चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन हाफ फ्राई हो जाए तो इसमें जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब इसमें बेल पेपर्स ऐड कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
अब इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड कर दें और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। स्प्रिंग अनियन को इक्वल साइज में काट लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। जब तमाम वेजिटेबल्स का कच्चापन खत्म हो जाए तो जो सॉस हमने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। सॉस ऐड करते ही बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। सॉस ऐड करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस डिश को एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनली इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर दें और हमारी डिश एकदम तैयार है। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत चाउमीन तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।